ओके सो गाइस फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू रील्स एडिटिंग। तो गाइस देख ही सकते हो इस टाइप की थंडर इफेक्ट जो है इंस्टाग्राम पर नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं। तो गाइस देख ही सकते हो ये थंडर इफेक्ट जो कि नव रंगो भाई ने यूज़ किया है। तो गाइस इस थंडर इफेक्ट को आप लोगों को एडिट करके बताने वाला हूँ और ये थंडर इफेक्ट जो नेक्स्ट लेवल बना देगा आप लोगों का वीडियो को। तो इसको एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। तो गाइस सिंपली गाइस क्या कीजिए, आप लोगों को वीएन एडिटर को ओपन करना है। ओके तो आप लोग का वीडियो प्रोजेक्ट को ले लेना है। तो गाइस स्काई को ज़्यादा ही रिकॉर्ड कीजिएगा और उसके बाद ये वाला ब्लैक पेज को डिलीट कर देना है और एक न्यू थंडर पीएनजी को ऐड करना है गाइस। तो ये वाला ब्लैक टाइप का एक डार्क टाइप का थंडर वीडियो है, तो इसको आप लोग ऐसे लगा देना है। और उसके बाद गाइस ये आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को मास्क में जाना है, लाइनर पर दो बार क्लिक करना है और स्टेप से आप लोगों को कर देना है। ओके तो इस स्टेप से कर देने के बाद गाइज आप लोगों को देख सकते हो कुछ इसी टाइप से आप लोगों का वीडियो लगता है। अगर आप ये स्टेप नहीं लेते हो तो गाइज आप लोग डुप्लीकेट कर दीजिएगा वीडियो को। डुप्लीकेट करने के बाद ये वाला वीडियो को डुप्लीकेट वीडियो को फॉरवर्ड ऑप्शन में क्लिक कर फॉरवर्ड कर दीजिएगा और ये वाला वीडियो को आप लोग को इस टाइप से आप लोग स्क्रोल करके फास्ट में रख लीजिएगा और उसके बाद फिट ऑप्शन में क्लिक करके फिट कर देना है। ओके तो उसके बाद गाइज आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को क्रोमा ऑप्शन में जाना है। क्रोमा में जाने के बाद यहाँ से टैप एंड होल्ड करके यहाँ से व्हाइट एरिया को सिलेक्ट करना है। स्पील को जीरो रखिएगा, इंटेंसिटी को आप लोग को इंक्रीज डिक्रीज करके देखना है। तो गाइस इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्रोमा सही से रिमूव हो जाए करेगा, तो आप लोग एडजस्ट करके रखिएगा। तो यहाँ से प्ले करके देख ही सकते हो। तो उसके बाद गाइस आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ से मास्क के ऑप्शन में जाएगा, तो मास्क में आप लोग ये जो मास्क लाइनर है इसको नीचे ले आएगा। ओके कुछ इसी टाइप से आप लोग को रखना है और ये देख सकते हो कैसे मैंने किया हूँ। तो ये देख सकते हो थंडर इफेक्ट जो है नेक्स्ट लेवल लगेगा। ओके तो ये काम आप लोगों को कर देना है एडिटिंग। तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, तो ये ब्लैक पेज को डिलीट कर दीजिएगा और उसके बाद का जो स्टेप है गाइस आप लोगों को क्या करना है, तो ये वाला जो वीडियो है इसको आप लोग क्लिक करके फिल्टर वाला ऑप्शन में जाना है। ओके तो सिंपली यहाँ से क्रोमा को इनकी डिक्रीज करके आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके तो अगर आप वीडियो को ब्लैक करना चाहते हो तो आप लोग फिल्टर में जा सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह को घटा सकते हो। ओके घटाएंगे तो आप लोग का कैरेक्टर जो है ब्लैक हो जाएगा। ओके तो यहाँ से ये काम हो जाने के बाद गाइस हम लोग वॉल्यूम को ऑफ कर लेते हैं वीडियो क्लिप का। तो वीडियो क्लिप वॉल्यूम आप लोग ऑफ कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे म्यूजिक वाला ऑप्शन में, तो म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके स्टार्ट फ्रॉम वीडियो में जाएंगे, तो यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप लोग को जाना है म्यूजिक में गाइस। ओके तो आप लोग म्यूजिक को इसी टाइप से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये वाला म्यूजिक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाए करिए, आप सब जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो ये वाला म्यूजिक मैंने डाल लिया है। तो गाइस सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को ऑफ कर लेते हैं वीडियो क्लिप का। तो देख सकते हो हमने वीडियो क्लिप का वॉल्यूम को ऑफ कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग वीडियो क्लिप का वॉल्यूम ऑफ हो चुके हैं, तो मीडिया ही हम लोग चलेगा। तो सिंपली यहाँ से हम लोग वीडियो को स्प्लिट करेंगे, तो ये वाला पार्ट को हम लोग कर लेंगे स्लो मोशन स्पीड पे क्लिक करके, क्योंकि म्यूजिक के साथ नहीं बैठ रहा है। तो ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्लो मोशन करेंगे ये वाला पार्ट को। ओके तो ये वाला पार्ट को हम लोग स्लो मोशन कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा वीडियो स्लो मोशन हो चुका है। तो उसके बाद गाइस हम लोग क्या कीजिए, ये वाला पार्ट को स्लो मोशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में जो लेयर में जो वीडियो है उसको पार्ट को भी आप लोग को स्लो मोशन करना है। तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो लेयर में जो पार्ट है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ से लेयर में जो वीडियो है बिल्कुल सेम टू सेम वाला वीडियो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये स्लो मोशन करेंगे तो अभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों यहाँ से स्प्लिट नहीं किए हो। तो यहाँ से आप लोग जहाँ से स्प्लिट किया था उसी लाइन के ऊपर से ही इस वीडियो को स्प्लिट करना है। ओके मैं दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को, तो ये वाला वीडियो को स्प्लिट करना है। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला वीडियो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम जगह पर स्प्लिट करना है और इस वाला पार्ट को स्लो मोशन कर देना है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो का स्लो मोशन रखा था टाइमिंग 1.3x या फिर 1.4x, तो उसी टाइम से आप लोग को रखना है। ओके तो ये वाला स्काई को आप लोग डुप्लीकेट कर देना है, जो वीडियो है थंडर इफेक्ट वाला डुप्लीकेट करके इस टाइप से आप लोग को रख देना है। ओके तो देख सकते हो हमारा वीडियो रह चुका है, तो उसको आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से स्प्लिट कर लीजिएगा और म्यूजिक का ड्यूरेशन से आप लोग को रख देना है। ओके तो गाइस आप लोग प्ले करके देखेंगे तो बहुत ही ऑसम लगेगी आप लोग का वीडियो, जैसे कि थंडर इफेक्ट है गाइस न्यू थंडर इफेक्ट जो कि नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ओके गाइस आप लोग ये वाला वीडियो गाइस खतरनाक बन जाएगा अगर आप वीडियो पूरा
एंड तक देखते हो तो उसके बाद हम लोग लिरिक्स को यूज़ करने वाले हैं। तो लिरिक्स लिखेंगे तो म्यूजिक अकॉर्डिंग, तो आप लोग म्यूजिक को अच्छे से सुन लेना है गाइस। तो यहाँ से एडजस्ट में जाना है, स्काई में क्लिक करके यहाँ से आप लोग को सैचुरेशन को माइनस कर देना है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट वाले वीडियो करना चाहते हो तो। ओके, तो स्काई का सैचुरेशन को 100% माइनस करना है, या फिर आप लोग एक फ़िल्टर लगा सकते हो यहाँ पे, तो फिल्टर में भी अवेलेबल है। तो यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्टर आप लोग ढूंढ लेना है, F6 या फिर F5। तो ये वाला फ़िल्टर हम लोग ढूंढेंगे, F6 लगा देंगे। ओके, ये वाला फ़िल्टर हम लोग लगाएंगे, तो देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है आप लोग का वीडियो। तो उसके बाद मॉडल वीडियो पर क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर में जाएंगे, तो यहाँ से मॉडल वाला वीडियो का भी फ़िल्टर हम लोग सेम टू सेम रख लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। ओके, तो F6। ओके, तो ये वाला फ़िल्टर हम लोग रखेंगे, तो देख ही सकते हो हम वीडियो काफ़ी हद तक मैच कर गई है बैकग्राउंड से, और बेस्ट नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं। और ये वाला वीडियो कैसे आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हो। नया थंडर इफेक्ट है, नया थंडर इफेक्ट आप लोगों का ये वाला वीडियो कैसा लगा, और ये थंडर इफेक्ट कैसे आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। ओके, तो ये छोटा छोटा टेक्स्ट में आया करेगा, तो उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि लिरिक्स को, जैसे कि आप लोग लिरिक्स को लिखते हो, होठों से नहीं तेरा दिल से नाता है। ओके, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो लिरिक्स को। तो इसी टाइप से हम लोग सभी लिरिक्स को लिख देंगे म्यूजिक को सुनकर, तो आप लोग म्यूजिक को सुनेंगे तो लिरिक्स को सही तरीके से लिख पाएंगे। तो आप सभी लोग म्यूजिक को सुन लीजिएगा अच्छे से और लिरिक्स को लिख लीजिएगा। ओके, तो देख ही सकते हो हम लोग लिरिक्स को लिख चुके हैं, और प्ले करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही ऑसम बन गई होगी। और लिरिक्स को आप लोग लिखना तो जानते ही होंगे, टेस्ट में जाकर ही लिखना है, तो सभी टेस्ट को ऐसे ही लिख देना है। ओके, तो आप लोग को फिर से मोशन में जाना है, इन एनिमेशन फेड आउट एनिमेशन फेड उसको रख देना है, और उसके बाद फिर से मोशन में जाना है, अप्लाई टू ऑल कर देना है। ओके, तो देख सकते हो हम लोग प्ले करके दिखेंगे तो खतरनाक तरीके से एनिमेशन होकर आए करेगा। ओके, तो इसी टाइप से वीडियो का इंस्टाग्राम पर अभी अपलोड करोगे तो काफ़ी अच्छी आप लोगों का चांस रहेगा। तो नेक्स्ट लेवल थंडर इफेक्ट है, तो आप लोग ये थंडर इफेक्ट को, थंडर वीडियो को किसी भी वीडियो में आप यूज़ कर सकते हो, किसी के रील्स में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे वाले।